गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है क्योंकि अभी हम लोग निकल चुके हैं दीघा जाने के लिए। हाँ, हम लोग दीघा जा रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह हो रहा है, अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और हम लोग घर से निकले हैं। अभी हम और यूसुफ जा रहे हैं वहाँ। हम लोग मेन रोड पे मिलने वाले हैं, वहाँ से रूबी अख्तर, बानो मनवर भाई, मोना अपी, अशरफ भाई, सारे लोग आने वाले हैं। तो हम लोग पूरा फुल फैमिली जाने वाले हैं वहाँ। फुल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हो गए, टोटल 15 लोग जा रहे हैं हम लोग। तो देखो, अभी अंधेरा ही है और इस टाइम हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, टोटो, रिक्शा, कुछ नहीं। एक रिक्शा जा भी रहा था, जैसे ही हम लोग घर से निकले, दूर दिखा, आवाज़ देने से भी आवाज़ गया नहीं वहाँ। तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे, पैदल जा रहे, नहीं हम थक रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। हम लोग पूरे 2 दिन के लिए जा रहे दीघा। बस बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग, पूरे सारे लोग मिलके बहुत मज़ा आने वाला है। जो कुछ भी होगा वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं। देखो सुबह सुबह का, सिर्फ हम लोग ही चले जा रहे। अच्छा भी लग रहा है इतना सुबह सुबह। छोड़ देगा, थैंक गॉड हम लोगों को ऑटो मिल चुका है यहाँ से। ये देखो हम लोग अब ऑटो ही मिली, बैठ चुके। अच्छा है, और चलना नहीं पड़ा, पहुँचना भी है ना। अभी अता का कॉल आया था हमको कि मामी आप लोग कहाँ हैं, हम पहुँचने वाले हैं। मेरे बेटा, हम भी रास्ते में ही हैं। इतना सुबह उठने से ना वो वॉमिटिंग फील हो रहा है, पता है। सुबह उठने का नहीं है। बस फजर का अजान हुआ और हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ पे भैया लोग भी पहुँच गए और यहाँ पे भैया के जो बेस्ट फ्रेंड है अली रसमाई, वो भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। कोलकाता की आन बान और शान, हावड़ा ब्रिज। सो हम लोग अब हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को सामने दिखता होगा हावड़ा स्टेशन। और यहाँ पे उमाइजा ट्रॉली पे जाते हुए दिख रही हैं। जल्दी बोलो, दीघा। दीघा, इसको तो ऐसा लग रहा है ना जैसे
जबरदस्ती कोई सुबह सुबह 4 बजे उठा के रेडी करके लाया गया है। देखो बहुत जुल्म हुआ है मासूम बच्चों के साथ। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, अभी हम लोगों की ट्रेन आई नहीं है, यहाँ आने वाली है अभी थोड़ी देर में। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 20 पे हम लोगों का ग्रुप इतना बड़ा है, टोटल 15 लोग हैं हम लोग के ग्रुप में। हम लोग घर के चारों है, मतलब तीन आपी, तीनों बहन और हम लोग हैं, और एक अली रजा भाई है, उनकी वाइफ है। तो पीछे पीछे जो दिख रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ में। गाइस इतना खूबसूरत नज़ारा था ये कि बिना कैप्चर किए हुए हम रह नहीं पाए, मेरे कि बस इसको तो कैप्चर करना है। देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। वेलकम टू दीघा। हम लोग दीघा स्टेशन पे उतर चुके हैं, ये है हम लोगों की ट्रेन। हाँ नींद भी सो गई। आज कितना अंदर ले जाएगा भाई, चले কুড়ি টাকা ভাড়া এটা सो गाइस ये है हम लोगों का रूम, ये वॉशरूम, ये रूम रहा। हाल बिल्कुल बुरा हो चुका है हम लोगों का। सो एम्बैरेसिंग, कहाँ एम्बैरेस्ड तो बोला होगा। ये बालकनी है हम लोगों का, छोटा सा बालकनी, थोड़ा थोड़ा गांव जैसा यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये देखा अख्तर। तो ये है हम लोगों का होटल का रूम, और ये जो रूम है तो ये इससे ज्वाइन होता है दूसरा रूम। ये देखा ये हम लोगों का दूसरा रूम है, हुमायूँ खाना खा रही है यहाँ। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, टीवी, पानी। ये गेट है बाहर जाने का, और ये वॉशरूम, ये बालकनी जहाँ खड़े थे। सीटिंग एरिया। सो गाइस लगभग 10-15 तक हम लोग न्यू दीघा स्टेशन पे पहुंच, मतलब दीघा के स्टेशन पे पहुंच चुके थे, और अब हम लोग चेक इन भी कर चुके हैं। अभी हम लोगों का प्लान है थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा फ्रेश होके रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जो भी आगे होगा वो तो आप लोगों को दिखाएंगे ही।
और नाश्ता हम लोग कर चुके थे, वैसे हल्का फुल्का सा नाश्ता किए, बनाना और ब्रेड ले लिए, तो वो नाश्ता कर चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो आगे जो कुछ भी होगा वो सब आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, ज़रूर हम दिखाएंगे। तो अभी जाते हैं, फ्रेश हो जा रहे हैं। नहीं नहीं सब्जी प्लस चावल प्लस मछली। अच्छा तो फिर चावल टूट होएगा ठीक है जी। इसको बोल दो मार ये आ गया हम लोगों का मील, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये मिक्स वेज तो सुपर वाला था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग सब पेट भर के अच्छे से मज़े लेकर खाए थे। उसके बाद हम लोग आए थे, देखो कहाँ हम दिखा रहे हैं, बीच पे साइड में बहुत सारे चीज़ हैं, ये देखो। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग जाएंगे नहीं नहाने, अभी हम लोग थोड़ा देर बाद, दो घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोग आएंगे दो घंटे बाद, लेकिन ये देखो, ये जो समंदर को अपने नज़र से जो देखने का है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट टाइम हम आए थे 2020 में, और सेकेंड टाइम अभी आए, बहुत अच्छा हमको लगा था। लास्ट टाइम जब आए थे तो हम लोग रुके थे दीघा, ओल्ड दीघा में, और इस पर न्यू दीघा में हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। खैर हम लोग आएंगे दो घंटे बाद, थोड़ा सा धूप कम हो जाए उसके बाद। तो इस साइड हम लोग आए थे खाना खाने, तो देखने आ गए, वो कुछ दिख नहीं रहे। शाम में आएंगे तब आपको पूरी तरीके से अच्छे से दिखाएंगे। अभी देखो सब धूप से परेशान है, अभी 1:30 बज रहा है दोपहर का। सो गाइस हम लोग होटल से निकल चुके हैं बीच पे जाने के लिए, बस थोड़ी ही दूर में बीच, और अभी 3:30 बज रहे हैं। और बस हम जा रहे, बहुत सारा इंजॉय करना है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये जो आते हैं ना, बाबू चलो बोलो, बाबू बोलो चलो, बोल दो बोल दो बोल दो। हाँ हाथ में बहुत देव, कहाँ है वेव कम है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, अरे अपने हाथ का सस्ता एक्टर नहीं।
पैसा लेने गया है मुझे पैसेंजर खोजना अंदर तो नहीं बोल रहा ना भाई बोला मन लाइएगा तो कल का रेट मुंबई से आएगा लोग होटल का रेट बोला मुंबई से आएगा हाय फ्रेंड्स ये है टाइटैनिक ये एक होटल है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है अंदर चलो बाबू आज भीतर कपड़े का लेमिनेशन मारा छे अरे हां ना कल खा ले फिर कहां जा रहे हैं सो गाइस हम लोग न्यू दीघा में स्टे किए थे तो हम लोग न्यू दीघा से अभी ओल्ड दीघा आए घूमने के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है बस यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग निकलेंगे तो हम लोग अभी यहीं घूम रहे और बीच साइड पे बैठ के थे जहाँ से बहुत अच्छे तो अभी हम लोग न्यू है ओल्ड दीघा में वॉक कर रहे यहाँ पे काफ़ी कुछ है शॉपिंग करने के लिए वुडन से बना हुआ चीज़ ये सब बहुत मिलता है यहाँ पे आई लव दीघा यस आई लव दीघा अच्छा लग रहा है फैमिली है सब साथ में अच्छा लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस टाइम बीच के साइड बैठ के वेव देखने का अलग ही मज़ा होता है मतलब स्पीचलेस है बहुत अच्छा मेरे दो भांजे को मालिक आवे लाइन दिए ना
এটা লঙ্কা দিয়ে নিও तो हम लोग खाना खा चुके, उसके बाद रवाना हो रहे अपने होटल के लिए न्यू डिंगर के लिए। तो हम लोग जा रहे, बहुत थक गए थे हम लोग, जाके फिर रेस्ट करना था। सो गाइस, हम लोग खाना वाना सब खा के आ चुके अपने रूम पे, और अब हम लोग अपना ड्रेस चेंज कर चुके, फ्रेश भी हो गए और अब सोने के लिए जा रहे। अभी तो सोएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद सोएंगे। तो इस व्लॉग में इतने ही ख़त्म होता है आज हम लोगों का दीघा में एक दिन। कल दूसरा दिन शुरू होगा, दूसरा और लास्ट दिन होगा। तो इस व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार देख रहे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय।